हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन बुक से फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेशन लाता है पीपल में एक कंट्री के। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट मतलब कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है या फिर गवर्न होती है। मैं आपको बताऊँ इसका मतलब सिंपली होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे राइट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, और जिसके अकॉर्डिंग ही एक कंट्री चलती है। तो उसी बुक को कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, उसी बॉडी को। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, हमें उन राइट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्या है? We need a constitution to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination. अगर हम बात करें आपके स्कूल की, आपको अगर स्कूल जाना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सभी के लिए रूल्स सेम ही होंगे ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए, और सभी स्टूडेंट्स के लिए रूल्स सेम होंगे तो सबको लगेगा दैट सभी जब ही फॉलो करेंगे जब रूल्स सबके लिए सेम होंगे। सिमिलर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को सेम रूल्स प्रोवाइड करती है और जिसके वजह से सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और ये जो रूल्स हैं ये लीगली एनफोर्सिएबल हैं, यानी कि लीगली एनफोर्स किए गए हैं ये एक सोसाइटी के ऊपर। इन रूल्स को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर अ सोसाइटी? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से रूल्स एक सोसाइटी को बेस्ट सूट करेंगे? तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास कितनी पावर होगी सोसाइटी में, ये पहले ही एलोकेट का मतलब होता है डिवाइड करना, पहले ही इसने डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया है हमारी सोसाइटी में कि हमारे पीएम के पास कितनी पावर होगी, सीएम के पास कितनी पावर होगी, जुडिशियरी के पास कितनी होगी, एग्जीक्यूटिव के पास कितनी होगी, एंड व्हाट फंक्शंस दे विल परफॉर्म, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंशनड है कि कौन डिसाइड करेगा लॉज को, ये भी मैंशनड है कि लॉज कौन फ्रेम करेगा। In the Indian Constitution, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws, policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. हमारे Indian Constitution में ये specified है कि ज़्यादा हद तक Parliament ही laws को decide करेगा और policies को भी, और Parliament भी खुद एक particular manner में organize होगा। ये सब कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस हैं? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो सभी को बेसिक रूल्स देगा जिसकी वजह से सबको इक्वलिटी मिलेगी और इससे सोसाइटी में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा सभी मेंबर्स के बीच में। नाउ सेकेंड फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि सोसाइटी में डिसीजंस कौन लेगा, किसके पास कितनी पावर है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये भी डिसाइड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्पेसिफाई कर दिया अपने आप में कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी। नाउ थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसने गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस डाल दी हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के ऊपर कुछ फालतू भेदभाव ना कर सके, दबाव ना डाल सके। ये लिमिट्स फंडामेंटल है ताकि गवर्नमेंट किसी को भी ट्रेसपास ना कर सके, किसी को भी दबा ना सके। वो लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम देखेंगे। वो लिमिटेशंस है राइट्स, कैसे अगर हमें सभी लोगों को कुछ राइट्स मिल जाएंगे तो गवर्नमेंट उन राइट्स को ओप्रेस नहीं कर सकती, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से लिमिटेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो सोसाइटी की एस्पायरेशंस को पूरा करेंगी और एक कंडीशन क्रिएट करेंगी जस्ट सोसाइटी, मतलब परफेक्ट सोसाइटी को क्रिएट करने में हेल्प करेगी एक गवर्नमेंट सोसाइटी के लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करके। हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम करे, कुछ पॉलिसीज लाए, लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट को एनेबल करता है कुछ पावर्स देके कि वो सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफिल करे और एक जस्ट सोसाइटी, एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने में हेल्प करे, क्रिएट करे। नेक्स्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। Constitution expresses the fundamental identity of a people. The people as a collective entity come into being only through the basic constitution. अब सभी लोग एक collective entity में जब बनेंगे, जब सभी को basic constitution मिलेगा, सभी को same rules और regulations follow करनी पड़ेंगी, सभी को same laws और rights मिलेंगे, जब ही तो constitution जो है अच्छे से perform कर पाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट था। और कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कलेक्टिव एंटिटी प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस देके। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी ध्यान रखा गया है कि लोगों की एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स पे भी ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट को उन्होंने इसीलिए इस तरह से फ्रेम किया है ताकि सभी लोगों की एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम पे कोई आँच ना आए। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑथोरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और व्हाट मे नॉट डू। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने खुली छूट भी नहीं दी है, उन्होंने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी डाले हैं कि कोई लोग जो है अपनी पावर का कुछ ओवर यूज़ ना कर सके। कोई आदमी या कोई पर्सन कितनी पावर है उसके पास, उस वो भी स्पेसिफाइड है कि अगर उसने इससे ज़्यादा कुछ किया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसे कोई भी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी डाले हैं। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। और इसके अंदर कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ भी हैं जिसे हम ओप्रेस नहीं कर सकते, ट्रेसपास नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ मॉरल आइडेंटिटी भी दी है। मॉरल आइडेंटिटी कैसे दी है कि हमें कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ दी हैं कि हम ट्रेसपास नहीं कर सकते, तो ये हमारी मॉरल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। प्रोमल्गेशन का क्या मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू किया गया, कैसे स्प्रेड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, लॉज कैसे स्प्रेड हुए। तो दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, कैसे बीइंग में आया और किसने क्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, उनके पास कितनी अथॉरिटी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, लागू करने की। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में वो डिफंक्ट रहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत परफेक्ट बना दिया लेकिन वो फॉलो होने में नहीं आता, तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स क्राफ्ट करते हैं। अगर मिलिट्री लीडर्स क्राफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट होगा और वो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, जो लोग पॉपुलर नहीं थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई लोग पॉपुलर नहीं है तो लोग सोचेंगे कि भाई इसने तो कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, ये भी हमारे जैसा ही था तो हम इसकी बातें क्यों माने। थर्डली डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, उन कॉन्स्टिट्यूशन इतने पावरफुल थे ही नहीं कि वो लोगों को अपने एक साथ रखे, एक साथ लाने में वो सक्षम थे ही नहीं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस थे। नेक्स्ट इज व्हाई कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड भी है, प्लीज़ लर्न इट। क्यों इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्रीज़ का सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट के बाद ही क्रिएट हुआ था। नेशनल मूवमेंट्स के बाद क्रिएट होगा तो हमें कुछ राइट्स, फ्रीडम, इनका बेटर नॉलेज होगा। दैट इज़ वाई हमारी जैसी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इम्पॉर्टेंट है ये भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने क्रिएट करा था,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और कब से कब के बीच में क्रिएट करा था? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में क्रिएट हुआ था. ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद बना था, जिससे सभी लोग जो हैं सोसाइटी को एक साथ आ गए थे कुछ राइट्स, कुछ लॉज पाने के लिए. ऑल्सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसे लोगों ने बनाया था जिन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रखी थी, या फिर जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी नेगोशिएट करने की, कमांड करने की, और जिन्होंने रिस्पेक्ट पा रखी थी सोसाइटी में. हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल. ऑल्सो वो लोग ऐसे थे जो लोगों को कन्विंस कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पर्सनल पावर शो कर सकते थे, मतलब दे हैव देयर ओन पर्सनल पावर कि वो लोगों को कन्विंस भी कर सकते थे. ऐसे लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा. सेकेंड पार्ट देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू.